आपके सिल्वर से टोपाज लेवल के लीडरों के अंदर कम से कम ये चीजें बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए। लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान करना, फॉलोअप करना और क्लोजिंग, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाना चाहिए सिल्वर से लेकर टोपाज रैंक तक। धीरे धीरे अपग्रेडेशन ऐसी होता है, जैसे सिल्वर रैंक पे कोई बंदा पहुंचता है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसको हम धीरे धीरे प्लान देना सिखा दें। जब नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है, नहीं तो ओपी साहब के पास इनके रूबी स्टार फोन करते हैं कि गुरुजी एक प्लान है आप टाइम दे दीजिए, तो पता चला कि डायमंड बनते बनते तक ओपी साहब प्लान ही दे रहे हैं, फिर ब्लू डायमंड तक प्लान ही देते रहेंगे, और वो जो भाई साहब प्लान करवा रहे हैं वो स्टार सफायर बन के प्लान ही करवाते रहेंगे। ऐसा बिजनेस कभी हो नहीं सकता। आपको डेवलप करना पड़ेगा सबसे पहला प्लानर, जिसमें लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान देना, फॉलोअप करना और क्लोजिंग, ये जो 3, 2, 5 चैप्टर हैं, ये आपके कंठस्थ होने चाहिए। जब आप लोग 10 कदम ट्रेनिंग करवाते हैं, मुझे पता है कि आप सारे लोग एज ए ट्रेनर उसमें बैठे रहते हो, चेयर पे आगे बैठते हो ना, आया ना। लास्ट में अपलाइन बोलता है कि टीम बांटते हैं, टोपाज अपने अपने टीमों की तैयारी करेंगे, पता चला कि टोपाज को खुद ही नहीं आ रहा है प्लान देने, तो हमारे ट्रेनरों की वहां पे भयंकर बेइज्जती होती है अविनाश जी, होता है ना। तो हम अब आपकी प्रैक्टिस यहां पे होगी कि आप प्लान कैसे देते हैं, तैयार करना पड़ेगा, मुझे पता है जरूरी है। दूसरा, आप इन्विटेशन कैसे करते हैं, आपकी लिस्टिंग कैसे होती है, आपका प्लान कैसा होता है, आप फॉलोअप कैसे करते हैं और आप क्लोजिंग कैसे करते हैं। लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, हॉट, कोल्ड और वेरी गुड, इसका मतलब ये समझदार तो हैं। चलिए, लिस्ट बनाया आपने, आप अपने लिस्ट को अपग्रेड करते हो, लिस्ट ए बी सी डी ग्रेड अपग्रेड करने सबको आता है। क्या आपके पास कोई ऐसी डायरी है जिसमें आपकी लिस्ट है, लिस्ट बुक आप सबके पास होना जरूरी है। आपके पास लिस्ट होगी ना तभी आपको मजा आने वाला है बिजनेस में, वो लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। खाली डाउनलाइन के लिस्ट पे डिपेंडेंट मत रहिए, आपकी लिस्ट भी निकालिए। अभी तो बहुत सारे लिस्ट निकालने के तरीके हैं, सोशल मीडिया, ग्राउंड मीडिया, हर जगह बहुत सारे ऑप्शन है लिस्ट निकालने का। आपके नए लिस्ट को अपग्रेड कीजिए। किसी भी काम को एक बार ठान लोगे ना तो धंधा तो अपने आप उठ जाता है, बिना ठाने कुछ भी नहीं होता। आप कितने सीखे हो, क्या क्वालिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन आपके उस काम के प्रति कितनी अच्छी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी किसको ज्यादा देते हैं? कई लोग घर बार का सारा प्रायोरिटी देंगे, जब बच जाता है तब बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। जिसकी प्रायोरिटी दोगे वो आपको लाइफ में मिलेगा। मैंने अक्सर देखा है लाइफ में जिसकी प्रायोरिटी दी जाती है वो लाइफ में मिलता है। परिवार को प्रायोरिटी दोगे, इस बात में कोई शक नहीं है कि आपकी परिवार आपके साथ रहेगी, आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड करोगे। आप जिंदगी में अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने सक्सेस को प्रायोरिटी दोगे, आपकी सक्सेस, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका साथ हमेशा बना रहेगा। डिसाइड आपको करना है कि अभी इस वक्त आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, चूज करना पड़ेगा आपको। मेरे बोलने से नहीं, सोच समझ कर चूज कर लेना। कर सकते हो? Yes, yes, कर सकते हो? Yes. जब दोस्तों आप समर्पित होंगे इस बिजनेस के प्रति, तो नेक्स्ट चीज अब आपको धीरे धीरे सुधारने की जरूरत है, और वो होता है आपकी कन्वर्सेशन क्वालिटी। लीडरशिप का मतलब ही है जो अपनी बात लोगों तक पहुंचा दे और इस तरीके से पहुंचाए कि लोग आपकी बात को मान ले। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जो दहाड़ता है दुनिया उसी के पीछे चलती है, एक बात हमेशा याद रखना। पॉकेट में कितना है कोई नहीं देखेगा, लेकिन जुबान में कितना दम है यही लोग देखते हैं। yes. समझ में आ रहा है? yes. और टीम लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसकी कन्वर्सेशन में पावर होती है। जब वो बोले इतनी इम्फेटिक तरीके से आपकी जुबान निकलनी चाहिए, आपकी बात इतनी पावरफुल तरीके से निकालना चाहिए कि लोग सुनने के बाद कायल हो जाने चाहिए। अगर नहीं है ये क्वालिटी, तैयार करना पड़ेगा। आर यू रेडी? yes.
तैयार करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तैयार करना पड़ेगा कन्वर्सेशन स्किल। ऑलवेज अपग्रेड योर स्पीकिंग स्किल। आप कैसे बात करते हैं? कई लोग तैयार ऐसे हैं जो रूबी स्टार बन गए, सफायर बन गए, मेमियाते रहते हैं अभी भी। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। कई लोग स्टेज पे, आप लोग यार स्टेज परफॉर्मर हो, पता है आपको, अगर नई स्टेज चलाना आप सीखोगे ना, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, आप लीडर नहीं बन पाओगे। अपग्रेड कीजिए स्टेज पे। आप तो बिना तैयारी किए आप कैसे आ जाते हैं? मैं कई लोगों को देखता हूं स्टेज पे, कब क्या बोलना है इसकी कोई नॉलेज नहीं है। होना चाहिए,